हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो एम एन शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करीबन चार से पांच लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे महेन्द्रा एंड महद्रा स्टॉक के रिलेटेड और इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों इस इतने सारे कंसॉलिडेशन फेज़ के बाद भी इस समय एक्यूरेट लेवल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का क्योंकि जो फंडामेंटल्स बन रहे हैं कंपनी के हम सभी जानते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है लेकिन इस समय जो फंडामेंटल्स बन रहे हैं स्पेशली ड्यू टू रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट तो उसके चलते हुए यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा गेन है एक्यूरेट आर एस आई लेवल्स है एक्यूरेट एम एफ आई लेवल्स है और शॉर्ट टर्म में कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कौन से लेवल्स पर एंट्री करना चाहिए और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्या टारगेट्स आपको सेट करने हैं कौन से लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ये सभी इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तब जाके इस पर्टिकुलर स्टॉक का इंपॉर्टेंस और इस पर्टिकुलर लेवल्स का इंपॉर्टेंस इस स्टॉक के रिलेटेड आपको पता चलेगा तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ कुछ बताना चाहूँगा मैं एक सब से भी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007 थाउजेंड सेवन एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप पोस्ट बुकिंग फर्म्स इन इंडिया फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर म्यूचुअल फंड मैनेजर एस मैनेजर एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफी सारे हमारी कंपनी के और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो और भी प्रॉफिटेबल हो सके तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले वीडियो का एक ओवरव्यू ले ले लेते हैं कौन से कौन से सेक्शंस में इस वीडियो को डिवाइड किया वो देख लेते हैं इन दिस वीडियो वी विल सी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ एम एन एम स्टॉक वी विल सी द रिटर्न परसेंटेज ऑफ द स्टॉक लेवल्स देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ है लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए कौन से लेवल्स है स्मॉल मूविंग एवरेज के लेवल्स देखेंगे प्राइज एंड वॉल्यूम डेटा भी देखेंगे पिछले एक हफ्ते का कल के दिन के और पिछले एक महीने का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग्स है कह सकते हैं पब्लिक होल्डिंग्स कितना है एफ और डी का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है वी विल सी द चार्ट पैटर्न चार्ट पैटर्न देखेंगे अलग अलग ड्यूरेशंस का और साथ ही में फंडामेंटल्स भी देखेंगे कंपनी के तो चलिए सबसे पहले क्यू एन ए सेशन की बात करते हैं इस संडे इस संडे के बदले मैं सैटरडे को दोपहर को तीन बजे YouTube लाइव में फिर से एक बार आऊँगा जहाँ पे आप अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो की क्वेरीज पूछ सकते हैं जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब लाइव सेशन में जितने हो सके हर एक के कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करूंगा अगर किसी का कह सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स रह जाता है किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए जितना हो सके हर एक के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा तो इस YouTube लाइव में जुड़िए और अपने पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाइए साथ ही में रिसेंटली हमारी कंपनी ने एक नया एडवाइजरी स्कीम लॉन्च किया है स्पेशली फॉर एक्सटर्नल क्लाइंट्स इसमें आपको 30 डेज का पैकेज के कॉस्टिंग पड़ेगी रुपीज़ फोर ट्रिपल नाइन नाइन्टी डेज का कॉस्टिंग आपको पड़ेगा एलेवन ट्रिपल नाइन का इस पर्टिकुलर पैकेज़ में आपको पूरे महीने में पंद्रह से बीस ऐसे कॉल दिए जाएंगे जो आपको इन डिलीवरी बेस इंटराडेबस और एफएनओ एन बेस्ड तीनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं साथ ही में कॉल ऐसे स्टॉक्स पे जनरेट किए जाएंगे जिस स्टॉक्स पे हमारी पकड़ है वो जो स्टॉक्स हम हमारे इंटरनल क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वही सेम क्लाट्स जो कॉल्स हैं वो हम एक्सटर्नल क्लाइंट्स में इस सर्विस के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे कॉल्स कौन से बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं वो भी आपको व्हाट्सएप पे बताया जाएगा साथ ही में बीटीएसटी है या फिर डिलीवरी बेस है इंट्राडे बेस है एफएनओ एन बेस है वो भी आपको क्लियर कट समझाया जाएगा कॉल्स में तो इस स्कीम का फ़ायदा लीजिए और जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर आप एक्यूरेटली एंट्री और एग्जिट लेवल एग्जीक्यूट करते हैं तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कई ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा तो इस स्कीम का फ़ायदा आप उठाइए और अपने पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाइए तो सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो कल के दिन पे आया था एम एन एम पोस्ट नियरली टू फोल्ड जंप इन पैसेंजर व्हीकल सेल्स एट ट्वेंटी वन इन जुलाई यानी अगर देखें तो जुलाई महीने में पैसेंजर जो व्हीकल्स का सेल हुआ था उसमें डबल उनका सेल हुआ था एज कंपेयर टू जून मंथ तो और, और स्पेशली अगर कहे तो लास्ट म, लास्ट ईयर की जुलाई का जो सी था उसमें करीबन उनका सेल्स हुआ था वन वन जीरो टू फाइव यानी यहाँ पे भी डबल हुआ था साथ ही में जून में जितना सेल्स हुआ थे पैसेंजर व्हीकल से उससे ज़्यादा जुलाई में हुए थे तो ओवरऑल अगर देखें तो एम का जो डिमांड है पिछले एक साल में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मंथली बेसिस पर भी सेल्स बढ़ रहे हैं एम दूसरा जो एम एन एम का लेटेस्ट न्यूज आया था वो था एम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड न्यू प्रोडक्ट्स टू टेक एम एन एम टू अ नेक्स्ट लेवल उनकी जो ऑर्डर बुक्स है वो काफ़ी इस समय अट्रैक्टिव है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं नए व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं रिसेंटली हमने देखा एस का नया वर्जन लॉन्च किया है साथ ही में उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो लॉन्चिंग की तैयारी है वो भी फुल फ्लैच चल रही है तो उसके चलते एम एन एम का जो आने वाला समय है आने वाला छः से बारह है जैसे टाटा मोटर्स के लिए दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उसी तरह से मैंने एम एन एम के लिए भी आज मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले मैंने टाटा मोटर्स का टाटा कह सकते हैं ग्रुप का तीन ट्राइंगल बताया था टाटा मोटर्स टाटा पावर एंड टाटा केमिकल उसमें एक चौथा आप कह सकते हैं एक स्टॉक ऐड कर सकते हैं वो है एम एन एम ये चारों स्टॉक्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फोकस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने हैं पीरियोडिक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं साथ ही में लॉन्ग टर्म मीडियम मीडियम टर्म सभी इनकम जनरेट कर सकते हैं तो अच्छे से स्टॉक को कह है सकते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों तरीके से प्रॉफिट कमाइए महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉन्ग्स लीडरशिप इन फार्म इक्विपमेंट पॉजिटिव रूलर सेंटीमेंट एंड अ स्ल्यू ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द ऑटो सेगमेंट मेक इट्स कैंडिडेट फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो ये सब प्रोडक्ट्स के चलते हुए महंद्रा एंड महिंद्रा की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है वॉन्ट टू मेक एम एन एम नंबर वन इन कोर एस यू वी सेगमेंट आनंद महिंद्रा हम सभी जानते हैं यहाँ पे एस यू वी के नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं नए नए व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं एस यू वी वर्जन में जिसके चलते एम एन एम आने वाले समय में एस यू वी सेक्शन में या एस यू वी के क्लास में नंबर वन हो सकता है और ये उनका स्टेटमेंट आया कंपनी के चेयरमैन की तरफ से तो ये भी आपको समझना है फ्रॉम बींग द लीडर द मुंबई बेस्ड कंपनी सॉ फ्री फॉल ऑफ इन द मार्केट शेयर विथ रीन्यूड एंट्री ऑफ हुंडाई मारुति सुगी सुाटा मोटर्स एंड किया इनके चलते हुए महिंद्रा एंड महेंद्रा को काफ़ी कंपटीशन हुई थी लेकिन अब जो जिस हिसाब से उनके व्हीकल्स नए लॉन्च हो रहे हैं उस हिसाब से एस का डिमांड बढ़ेगा और इसके चलते ही महेंद्रा एंड महेंद्रा अपनी जो पोजीशन है वो फिर से एक बार कह सकते हैं उसे अकम्पलिश कर पाएगी मेहंद्रा एंड महद्रा accelerates एक्सेलेट्स इलेक्ट्रिक टू टू व्हीलर रन इन यूरोप द इनिशियेटिव इज अ पार्ट ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड करोड़ मल्टी सेगमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश बींग मेड बाई मुंबई मुंबई बेस्ड यूटिलिटी व्हीकल स्पेशलिस्ट यानी यूरोप में भी उनके इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च हो रहे हैं कार्स के और यूरोप में उनका टाइप है प्यगॉट और कंपनी के साथ प्यूगॉट कंपनी के साथ उनका टाइप है जिसके चलते यहाँ पे यूरोप में भी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनके लॉन्च हो रहे हैं तो यहाँ पे ना सिर्फ कह सकते हैं इंडिया में लेकिन इंटरनेशनली भी उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है महेद्रा महद्रा का कल का क्लोजिंग देखें तो 799 के आसपास था आज का अगला क्लोजिंग देखें तो 791 के आसपास है एक साल में निफ़्टी के साथ अगर कंपेयर करें तो माइनस एटीन परसेंट का रिटर्न दिया है यानी काफ़ी कंसोलिडेशन में रहा है काफ़ी पिटा ये स्टॉक और अगर मार्केट कैपिलाइजेशन की बात करें तो करीबन नाइन्टी करोड़ का मार्केट कैपिलाइजेशन है इस स्टॉक का और स्पेसिफिकली अगर कहे रिटर्न्स परसेंटेज की बात करें स्टॉक की तो पिछले एक महीने में साढ़े उन्नीस परसेंट का रिटर्न है जब साढ़े उन्नीस कह सकते हैं रुपीज़ का ग्रोथ है लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सिर्फ ढाई टके का रिटर्न दिया है तीन महीने में अगर देखें तो साढ़े सात रुप साढ़े सात परसेंट के आसपास रिटर्न है एक साल में तीस परसेंट का रिटर्न दस साल में टेन परसेंट का रिटर्न और अगर एक पाँच साल में दस परसेंट का रिटर्न और दस साल से किसी ने स्टॉक को होल्ड किया है तो एक सौ अठारह परसेंट का रिटर्न दिया है तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टॉक है कह सकते हैं जैसे एल को हम कह सकते हैं या फिर डाबर को कह सकते हैं या फिर गोदरेज कंज्यूमर ये जो स्टॉक्स थे वो बहुत स्लो चलते हैं लेकिन जब चलते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं तो जिन इन्वेस्टर्स को डिफेंसिव स्टॉक्स पसंद है उनके लिए एम एम एक बेहतरीन स्टॉक है कल के दिन पर मैंने बोधल केमिकल भी आपको वैसे ही एक स्टॉक बताया था म्यूचुअल फंड डेटा देखे फॉर द मेन मंथ मे मंथ में फॉर द जून मंथ देखे तो करीबन 62 म्यूचुअल फंड कंपनी 63 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव बॉट एंड 38 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव सोल्ड विद द डिफरेंस ऑफ 49 नाइन लैस शेयर यानी 49 नाइन लैक शेयर्स का इन एंड आउट हुआ है यहाँ पे बिटवीन 63 म्यूचुअल फंड कंपनीज बाइंग एंड 38 एट म्यूचअल फंड कंपनी सेलिंग तो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है जून मंथ में एम के लिए आर एस के आसपास है एम 73 यानी दोनों ही ऑलमोस्ट कह सकते हैं न्यूट्रल जोन से थोड़े ऊपर आए हैं लेकिन अभी तक ओवर पे नहीं गए हैं और एक्यूरेट लेवल जो इसका इन्वेस्टमेंट का है वो है बिटवीन 785 फाइव टू नाइन्टी लेवल्स पर आप इन्वेस्ट कीजिए अगर आप पीरियडिक इनकम जनरेट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए आठ का अगर लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए 875 का सेकंड टारगेट होना चाहिए साढ़े नौ सौ का तो ये टारगेट्स आपने सेट कह सकते हैं अपने ऑर्डर बुक में लगाइए अपने ऑब्जेक्टिव में लगाइए और जैसे आपका ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है स्टॉक के साथ वैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर सकते हैं लेवल तो से अगर देखें तो 769 सिक्सटी नाइन थर्टी डे सेम है फिफ्टी डेम है सेवन सेवेंटी एट तो ये लेवल शायद ही अभी आपको देखने मिलेंगे महद्रा एंड महद्रा में लेकिन आने वाले समय में ऊपर का जो लेवल जैसे मैंने कहा 810 का लेवल या फिर 850 और एट्स नाइन का लेवल जो स्पेसिफिकली मैंने कहा वो बहुत ही स्ट्रॉग लेवल है और आने वाले समय में ये लेवल्स कभी ना कभी कह सकते हैं टच होने की चांसेज ज़्यादा है रिजल्ट्स की बात करें स्पेसिफिकली पिछले चार क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले जून में अगर हम देखें तो रेवेन्यू था 16520 करोड़ के आसपास इस बार जो रेवेन्यू आया है उन्नीस करोड़ के आसपास साथ ही में अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले साल जो था जून में लॉस था एटी थ्री करोड़ का इस बार जो लॉस है बढ़कर हो चुका है नाइन सिक्सटी सिक्स करोड़ का लेकिन उसके बावजूद ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स ड्यू टू अदर एडजस्टमेंट्स यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल नेट लॉस था 97 करोड़ का लेकिन इस बार ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स ड्यू टू अदर इनकम्स यहाँ पे जो है टोटल जो लॉस था माइनस नाइन करोड़ का वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है चार करोड़ का तो ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी इस समय डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू लास्ट जून अगर हम कहें तो पिछले पाँच दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले पाँच दिन में इसका जो बॉटम था 773 का था और हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो करीबन 804 का इसने हाईएस्ट पॉइंट टच किया था पिछले पाँच दिनों में एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो एक मंथ में इसका जो बॉटम था वो था अगेन 766 के आसपास का और 726 के आसपास का टू बी प्रिसाइज और अगर हाइस्ट पॉइंट हम देख रहे हैं तो सेवन के आसपास और अगर तीन महीने का चार्ट पैटर्न देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक का तो तीन महीने में सेम बॉटन ही आपको दिख रहा है 726 का वो लोएस्ट पॉइंट है इस पिछले तीन महीने का और हाईएस्ट पॉइंट हम जब सभी जानते हैं करीबन 810 के आसपास इसका हाईएस्ट पॉइंट था प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए यहाँ पे प्राइस एंड पिछले कल के दिन पर देखिए तो 75 फाइव लैक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम था जिसमें से छब्बीस लाख की डिलीवरी क्वांटिटी थी थर्सडे के दिन पर थर्टी फाइव का ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसमें से तेरह लाख की डिलीवरी क्वांटिटी है एक वीक का एवरेज देखें फोर्टी लिक्स फोर्टी सिक्स लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम सत्रह लाख की डिलीवरी और अगर एक महीने का एवरेज देखें तो तैंतीस लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जिसमें से फोर्टीन लाख की डिलीवरी क्वांटिटी है तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं अबाउट थर्टी फाइव परसेंट डिलीवरी हर बार देखा गया है डिलीवरी परसेंटेज में और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास सिर्फ नाइनटीन पॉइंट फोर सिक्स परसेंट है एफ आई एस के पास फोर्टी परसेंट है बहुत कम ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसमें एफ का इतना हायर परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट है डी आई एस है और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो टेन है ओवरऑल अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एफ का ही वेटेज आपको ज़्यादा दिख रहा है तो जिस स्टॉक में एफ का वेटेज है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो हमेशा स्टॉक अच्छा ही रहता है और मीडियम टर्म के लिए भी अच्छा रहता है शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स ले मैंने ले आपको बता दिया पीरियॉडिक इनकम के लेवल्स मैंने आपको बता दिए उस हिसाब से स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए अच्छे से प्रॉफिट कमाइए आशा करता हूँ आज का जो वीडियो आपको पसंद आ रहेगा आपकी स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मेरा ईमेल आईडी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं साथ ही में, में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है अगर आपको इक्विटी में कम्योटीज़ में करेंसी में किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है ट्रेडिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथ ही में अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है वेबसाइट पर लॉग कीजिए कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा Thank you.